प्रदेश कार्यालय पहुंचा है। जीत की उजवनी कर रहा अच्छे तब जो चुके के राजस्थान में परंपरागत पहनवे पहले तरीके ढोल नगारा त्रासा वगाड़ी ने जीत की उजवनी दे रही है। इस तरह देखते हैं जीत को, इस जीत को किस तरह देखते हैं? ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और संपूर्ण राजस्थान की जनता की जीत है। ये हम सब की जीत है, इसमें कोई जान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छे मतों से विजयी हुई है। ये जो मतदाता घर से बाहर निकल के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है उनकी जीत है ये। मोदी जी जो के जे लोग को ये अंका दया छे ते जीत नो श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपी रहा छे। महिलाओं पण कितनी छे जे या जीत री उजवणी करी छे, ए महिलाओं तो पण मास्क पहरी नहीं आयु ने मोदी नो कितलो परचम लहराय छे ते अहीं स्पष्ट थई रही छे। महिला कार्यकर्ताओं थोड़ा जमे साथ करजो, कैसे देखते हैं इस पूरी जीत को आप? पूरी जीत राजस्थान में जो कांग्रेस की कुशासन की सरकार रही है उसके जनता का जो मत का अधिकार था जनता ने बताया है कि कांग्रेस ने 5 साल कैसे भ्रष्ट किया है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के सम्मान में और भाजपा सरकार बनती है जा रही है, 150 सीट पार करेगी भाजपा, भाजपा अपनी सरकार बनाएगी चाहे दलितों के लिए चाहे किसानों के लिए युवाओं के और महिलाओं के सम्मान के लिए। किसकी जीत है ये? बिल्कुल बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, जिस तरह की प्रचंड बहुमत से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और महिला शक्ति का उसमें बहुत योगदान है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान की महिलाओं को और महिला मोर्चा की सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। कैसे देखते हैं आज की जीत को? जी ये जीत हर उस वर्ग की है जो कांग्रेस सरकार के राज में त्रस्त था। ये महिलाओं की जीत है, ये युवाओं की जीत है और ये राजस्थान की जनता की जीत है। आज की जो जीत है उसको किस प्रकार से देखते हैं? जीत को, आज की जीत का श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को, मोदी जी की सारी योजनाओं को, महिलाओं को। हर महिला और हर जनता के उत्साह है और ये जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी उनके उनके जो भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार से पीड़ित थी राजस्थान के और सब कार्यकर्ताओं की मेहनत भगवा लहराया और जो राम को लाए हम उनको लाएंगे भगवा फहराएंगे राजस्थान। जो शक्ति से के ढोल नगाड़ा त्रास से कितनी महिलाओं से डांस कर रहे हैं पिता के पड़ रहे हैं जय जय श्री राम ना नारा लगा रहे हैं। लंबा समय की जो स्थिति है राजस्थान के अंदर 5 वर्ष सरकार बना है बराबर एक प्रकार परिवर्तन आज पर जो बढ़ रही है लागी रही हो तू के अशोक गहलोत ने कहा तो दावो तो के रिवाज बदला के पर क्या है राजस्थान में रिवाज बदला है तो लाख की नहीं भारतीय जनता पार्टी सुपर की बहुत बताते आगे बढ़ी रहे के भारतीय जनता पार्टी सरकार बना के मुख्यमंत्री कौन है हाल भारतीय जनता पार्टी ना राजस्थान ना जयपुर खाते ना प्रदेश कार्यालय कार्यकरो भरपूर उजवणी करी रह्या छे। जी तो आप गांधीनगर कमलम में आप જોઈ રહ્યા છો કાર્યકરો જોશ ઉત્સાહ સાથે ગરબા રમી રહ્યા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કેમ ના કરે કારણ કે ત્રણે ત્રણ રાજ્યો હિન્દી બેલ્ટના ત્રણે ત્રણ રાજ્યોમાં જબરજસ્ત પરફોર્મન્સ બંને રાજ્યો કોંગ્રેસ પાસેથી આંચકી રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી છત્તીસગઢ પર જે નજર હતી છત્તીસગઢ પર ભારતીય જનતા પાર્ટી શાનદાર રીતે અહીંયા જીતી રહી છે। અભી કે જો અભી જો મતગણના હો રહી હૈ उसके जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड विजय का शंखनाद हो चुका है, इसलिए सारे भाजपा कार्यकर्ता